हेलो दोस्तों, द विजन ट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के सीरीज में भाग 3 मौलिक अधिकार टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और देखेंगे सभी कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे बड़ी ही सावधानी पूर्वक अच्छे से समझकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो संविधान में हमारा भाग 3 है, संविधान में जो है भाग 3, किसको भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ये किस आर्टिकल से कितने तक है ये हमें मिल जाएगा, मौलिक अधिकार 12-35। भाग 3 आर्टिकल्स 12-35 इसमें मिलेंगे आर्टिकल भाग 3 में। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 क्या कहता है ये आइए जानते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा बताता है आर्टिकल 12। आजकल वाला जो है राज की परिभाषा बताता है। ये क्या है राज की परिभाषा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, यही समझ रहे होंगे ना। तो इसका अगर ये आजकल वाला वो बताता है कि राज्य क्या है, किसको हम राज्य कहेंगे और राज्य क्या कर सकता है। राज्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य कहेंगे, एंड लोकल गवर्नमेंट को कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट को कहेंगे राज्य। और जो और कुछ कंपनियों को जो निजी कंपनियां हैं उनको भी कहेंगे, जैसे LIC की कंपनी, ONGC की कंपनी, ETC कंपनियां क्यों, क्योंकि ये राज्य ये भी अपना एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ये भी नियम कायदे बनाते हैं, वो नियम कायदे जो मौलिक अधिकार को हनन नहीं करता है, जो वो नियम कायदे बनाते हैं जो मौलिक अधिकार को हनन नहीं करता है। तो LIC कंपनी को भी एक स्टेट या राज्य ही कहा जाएगा संविधान की भाषा में, LIC कंपनी को भी एक स्टेट या राज्य कहा जाएगा, ONGC भी कहा जाएगा, या एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको कहा जाएगा एक राज्य। ऐसे ही जो कंपनियां हैं उनको एक राज्य के ही श्रेणी में रखा जाएगा। लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट ये है नगर पंचायत, नगर पालिका या ग्राम पंचायत तक, जिला पंचायत, मतलब जो लोकल में काम करें, लोकल में लोगों को नियम कायदे में बांध के रखें, वो नियम कायदे जो मौलिक अधिकार का हनन ना करता हो वो है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार, राज्य सरकार हर राज्य में सरकार होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो एक केंद्र में सरकार है उसको हम भी कह सकते हैं। तो ये रहे राज्य और यही है राज्य की परिभाषा। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 भी देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, अब ये कहता है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में असंगत या अल्पीकरण नहीं हो सकता है। उनका उनके कहने का मतलब ये है असंगत या अल्पीकरण नहीं हो सकता है, अल्पीकरण करने के लिए कोई भी विधि नहीं है, अल्पीकरण करने के लिए कोई भी विधि नहीं बनाई गई है। ये है तेरा अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य सरकार के नियम कहते हैं वो मौलिक अधिकार में, जो राज्य सरकार के नियम कहते हैं वो मौलिक अधिकार के हनन नहीं करेगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तभी तक ये रूल इनके राज्य सरकार की माने जाए। और जब हनन कर दिया जाएगा किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो आर्टिकल 13 कहता है कि वो नियम कायदे नहीं मान्य होंगे जो मौलिक अधिकार को हनन करे। यह रहे आर्टिकल कि आर्टिकल 13 असंगत या असीम अल्पीकरण करना, मौलिक अधिकार के असंगत अल्पीकरण करने की कोई भी विधि नहीं है, मतलब उसके लिए शून्य विधियां हैं।
उसके लिए कोई नियम कायदा नहीं है। हम उसमें मौलिक अधिकार में हम कुछ काट छाट कर ही नहीं सकते हैं, बस मौलिक अधिकार को मानना ही है। तो आर्टिकल 12 और 13 आप अच्छे से देख लिए हैं। अब आते हैं मेन आर्टिकल, जो मौलिक अधिकार की मेन चीज है, यही से स्टार्ट होता है मौलिक अधिकार के 14 आर्टिकल से स्टार्ट होगा मेन। ये 12 और 13 तो राज्य की परिभाषा और राज्य के नियम कह दें जो असंगत अर्थीकरण नहीं किया जा सकता है उसका बताया गया। अब मौलिक अधिकार में स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकार में कि क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है वो क्या, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी जानते हैं। पहला तो समता, समान नियम कानून, फिर इसके बाद स्वतंत्रता, समता का अधिकार, अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार सौंपण का अधिकार, सौंपण का अधिकार, ठीक है। और नेक्स्ट है धर्म, धर्म का अधिकार, अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और एक लास्ट बचा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट क्या है, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये हैं मौलिक अधिकार, यही मौलिक अधिकार पूरे उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से हैं। तो समता का अधिकार, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सौंपण का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार जो है अब निरस्त कर दिया गया है, और संविधान के उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 23 से 24, सौंपण का अधिकार है 25 से 28, धर्म का अधिकार जो है 29 से 30, ठीक 28 से 29 धर्म का अधिकार। और संस्कृति का है तो 30, संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का 32। ये आर्टिकल इनमें निरूपित हैं, इसमें है कि ये मौलिक अधिकार में ये आर्टिकल इतने इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या कहता है और कैसे इसको हम तैयार करेंगे, ये बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। समता का अधिकार क्या है और कौन कौन से सामान्य चीज संविधान के अनुसार कौन कौन से हम लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि कानून का अधिकार जो है, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून, कानून का समानता, समानता कानून समान होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कानून सामान्य हो, इसके बाद धर्म का, धर्म का समानता, ठीक। इसके बाद लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन का, नियोजन का अधिकार। इसके बाद क्या, छुआछूत, छुआछूत या अस्पष्टता, अस्पष्टता का अंत। और लास्ट है उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। हमें यह समता का अधिकार, सबके लिए कानून समान होना चाहिए, यह हमें समता का अधिकार देता है जो आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए और धर्म के समान जो है, आर्टिकल धर्म नस्ल और जात के समान कोई विभेद नहीं होना चाहिए, कोई धर्म, कोई विभेद नहीं होना चाहिए धर्म नस्ल और जात के, धर्म नस्ल और जात के, जात में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। कि इनका कहने का मतलब है कानून सबके बराबर होने चाहिए, सबके लिए कानून होने चाहिए। और धर्म में
जात में, नस्ल में। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल और जात में कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए। किसी को जात के माध्यम से लाभ होना चाहिए, न किसी को जात के माध्यम से या नस्ल से धर्म से कोई किसी का लाभ होना चाहिए, न किसी को हान होना चाहिए। सबके लिए समान होना चाहिए। यह हमें समता का अधिकार में आर्टिकल 15 कहता है कि सबके लिए धर्म, जात, नस्ल, समानता या विभेद, किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन मतलब सबके लिए कमाई के जरिए समान होने चाहिए, किसी को पद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को पद मिले किसी एक समान जाति को और किसी को नहीं मिले। सबके लिए होना चाहिए लोक नियोजन, मतलब कमाई के जरिए सबके लिए समान होने चाहिए। हर कोई अधिकारी बन सकता है, हर कोई हर किसी पद में बैठ सकता है, हर कोई नेता बन सकता है, हर कोई डॉक्टर बन सकता है। मतलब लोक नियोजन की समानता सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे 31 आर्टिकल में मिलता है। ये आर्टिकल 15 कहता है कि सबके लिए लोक नियोजन की नियोजन मतलब कमाई की समय, कमाई के साधन जो है, मतलब जीवन यापन करने के साधन जो है, वो सबके लिए समान होने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 15 हमें बताता है अछुआछूत या अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। पहले के समय पर ये होता था कि छुआछूत मतलब निम्न जात के जो रहते थे, निम्न जात के थे, उनको मंदिर में जाने मना कर दिया जाता था। वो कुआं से पानी पीते थे तो उसका पूरा विखंडन कर दिया जाता था कि तुम कुएं से पानी भी नहीं पी सकते, ना मंदिर जा सकते हो, ना पूजा पाठ, कुछ उनके लिए मना था सब कुछ। और अगर कर देते थे तो उसमें बड़ा ही ढोंग नगोफला होता रहता था। तो इसी का अंत किया गया यहाँ पर कि किसी को छुआछूत नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 17 बताता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए और अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। सबके लिए पानी का मतलब कुआ का साधन सबके लिए समान है, मंदिर सबके लिए है, मस्जिद सबके लिए है, गुरुद्वारा सबके लिए है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी। और उपाधियों का अंत लास्ट में हम समता के अधिकार में उपाधियों का अंत जो है वो 18 आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है। 18 के आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सबके लिए समान। ना उपाधि तो किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए कि कोई राजा बना बैठा हुआ है। अब देखो एक ही अब राज्य है, एक ही स्टेट में सरकार है और एक ही मतलब कोई अपने नाम के आगे राजा या किसी प्रकार की उपाधि लगाना स्वीकार नहीं है। मतलब अब उपाधियों का अंत हो चुका है। आर्टिकल 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। ये रहे समता का अधिकार और मौलिक अधिकार के आज का हमारे जो 12 से लेकर 18 तक हम लोगों ने कवर किया है। और अगर आप लोगों को अच्छे लगे हमारी प्रयास तो आप लोग हमें लाइक करके सपोर्ट करें, शेयर भी करें अपने साथियों को और कमेंट करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। तभी अब अगला वीडियो हम लोग 19 से लेंगे और जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करिएगा अगर अच्छी लगे, और शेयर भी अपने साथियों को करिए। धन्यवाद।